यह पतली जाली होती है। शिशु और मधु कक्ष के बीच इसे लगा देने से रानी मक्खी मधु कक्ष में अंडा देने के लिए नहीं जा सकती, जिससे श्रमिक मधुमक्खियों को मधु संचय करने के लिए अधिक समय मिलता है। यह टिन का बना और भीतर से खोखला होता है। इस खोखले भाग में सूखे गोबर के टुकड़े, सूखी लकड़ी या कपड़े रखकर जला दिए जाते हैं, जिससे धुआं बनने लगता है और इस भाग को दबाने से धुआं बाहर निकलता है। इसके द्वारा मधुमक्खी को शांत किया जाता है। ये चमड़े, प्लास्टिक, जींस के कपड़े, रबड़ या ऊन के बने होते हैं। मधुमक्खी परिवार का निरीक्षण करने के लिए इसे हाथों में पहनना पड़ता है, जिससे मधुमक्खियों के डंक से बचा जा सके। यह प्लास्टिक या तार की जाली से बनी होती है, जिसे मधुमक्खी से बचने के लिए पहना जाता है। यह लोहे की चादर के ड्रम के आकार का यंत्र है। इसका ऊपरी सिरा पूरी तरह से खुला रहता है, जिसके अंदर नाचने वाला पिंजरा होता है और इसका जुड़ाव ऊपर लगे गियर पहिए से होता है। जब पहिए को गियर से नचाया जाता है तो पिंजरा स्वतः ही नाचने लगता है। मधु से भरे छत्ते को कोष्ठों की ऊपरी मोमी टोपी को चाकू से हटाकर पिंजरे में बनी जगहों में रख दिया जाता है और पिंजरे को काफी तेजी से नचाया जाता है, जिससे मधु भारी होने के कारण कोष्ठों से अलग होकर ड्रम की दीवारों पर गिरता हुआ तल पर जमा हो जाता है। भोजन पात्र, यह लोहे या प्लास्टिक का बना होता है। प्राकृतिक भोजन के अभाव वाले मौसम में कृत्रिम भोजन जैसे चीनी की चाशनी को इसमें रखकर इसके अंदर घास, पुआल या पत्ते को रख दिया जाता है, ताकि मधुमक्खी इस भोजन में डूबने से बच जाए। छुरी, इससे छत्तों के बंद मुंह को छीला जाता है, जिससे कोशों के ऊपर लगी मोमी टोपी समान रूप से कट जाती है और मधु आसानी से मधु निष्कासन यंत्र के द्वारा निकाल लिया जाता है। ब्रश, इसके द्वारा शहद निकालते समय मधुमक्खियों को छत्तों से अलग किया जाता है, जिससे मधुमक्खियों को चोट नहीं लगती है। यह लोहे की बनी हुई जाली होती है, जिसे बक्सा के मुख्य द्वार पर लगाई जाती है। इसके लगने से रानी मधुमक्खी घर से बाहर नहीं निकल पाती है, लेकिन श्रमिक मधुमक्खियां घर से बाहर और अंदर आ जा सकती हैं। इसका प्रयोग बकछिट रोकने के लिए किया जाता है।